कड़ोदरा स्वामीनारायण संस्था द्वारा संचालित फिजियोथेरापी कॉलेज में आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की उजवणी भाग रूपे दीकरीओ ने आत्मरक्षा ज्ञान साथ मार्गदर्शन प्रदान करने अर्थे सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग सेशन नु आयोजन कर आ कार्यक्रम अन्वये उपस्थित दीकरीओ ने महिला दिवस की शुभेच्छाओं सह भविष्य में सफलता नवा शिखरो सर करने प्रोत्साहन पूरु पाड़वामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रम में विवेक मिश्रा द्वारा बहनों ने सेल्फ डिफेन्स की ट्रेनिंग आपवामां आवी हती। कार्यक्रम में कड़ोदरा नगर कारोबारी अध्यक्ष अंकुर देसाई तथा नगर भाजप प्रमुख और कड़ोदरा पालिका चीफ ऑफिसर मित्तल भाड़ाला उपस्थित रहा था। मैं मास्टर विवेक मिश्रा, 6 टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल दिला चुका हूँ अपने देश को। और मैं बेटियों को, मिशन परित्राण संस्था जो हमारी है वो बेटियों के लिए खास हमने बनाया हुआ है, जहाँ पे हम माँ बहन बेटियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का कोर्स करवाते हैं। और अभी तक हम लोग 4 लाख बेटियों को लगभग ट्रेनिंग दे चुके हैं और हमारा मिशन जारी है। आप लोगों का सहयोग और साथ रहा तो आगे भी हम बेटियों के लिए काम करते रहेंगे। महिलाओं के लिए वैसे तो दिन इनका रोज है, क्योंकि ये पूजनीय है और एक ऐसी शक्ति है, आदि शक्ति है, जिनको हम लोग पूजा करते हैं हमेशा, हमारे संस्कार में, हमारी परंपरा में रही हुई है। और दूसरी बात, अब अगर माताओं बहनों बेटियों को ये गलत फहमी है कि उनको कोई बचाने भगवान ऊपर से आएंगे, तो पहली बात ये गलत फहमी निकाल दें। उनको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो खुद लड़ाई लड़ना सीख ले। अगर वो लड़ाई लड़ना सीख गई तो वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, किसी के भरोसे जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको ये ज़रूरत है कि वो खुद लड़ें, अपनी सुरक्षा खुद करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दें। मैं निर्भया रेप केस जब हुआ था 2012 में, तब से इस मिशन को स्टार्ट किया और आज तक बंद नहीं किया हो। लेकिन जब आप ये ट्रेनिंग दे रहे थे तब कैसा महिलाओं को और बच्चियों को यहाँ पर एहसास हुआ? देखिए, बच्चियों का कैसा होता है कि जब हम इनके अंदर, मैंने बोला था ना, पहला शब्द बोला था कि ये हनुमान जी की तरह है, जैसे रामायण में बोला जाता है ना कि हनुमान जी को ताकत का पता नहीं था, तो मैं जामवंत बन के आता हूँ और उनको सिर्फ उनके ताकत का अंदाज़ा बता देता हूँ कि आप कितने ताकतवर हो, आपके अंदर कितनी शक्ति है, उसको आप बाहर निकालो और लड़ना सीख लो बस। लड़कियाँ जो होती है कमज़ोर होती है ऐसा माना जाता है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग के बाद लड़कियाँ कितने अपने देखिए, पहली बात तो मैं बता दूँ कि लड़कियाँ किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं होती। अगर वो कमज़ोर होती तो जितने योद्धाओं का आप नाम ले रहे हो उनका संस्कार किसी माँ, किसी बहन से, किसी बेटी से ही मिला हुआ है। तो पहली बात तो जितने समाज के लोग वो गंदगी होते हैं जो बोलते हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं, पहली बात तो महिलाएं कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात कि इनकी जो एक कमज़ोरी है, इनकी ममता, जिनका लोग फ़ायदा उठाते हैं, अगर ये अपनी पे आ जाए ना तो इतिहास रच सकती हैं, ये देखा हुआ है लोगों का। तो मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग